हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी दिन के आई थिंक 11 या 12 बजे के आसपास समय हो रहा है और हम निकल पड़े अपने होम से बद्रीनाथ टूर के लिए। और आज की ब्लॉग की शुरुआत नंदनगर घाट से किया जा रहा है क्योंकि ये हमारा मेन मार्केट है और गांव से 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और यहाँ से आई थिंक हमें 150 किलोमीटर बद्रीनाथ को ट्रैवल करना है क्योंकि कल संडे यानी 8 तारीख है और 8 तारीख से ही बद्रीनाथ धाम यानी बद्रीनाथ भगवान के दर्शन आप लोग भी कर सकते हैं। तो सोचा क्यों ना अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दर्शन करवाएं। तो लेट्स गो, हम निकल पड़े हैं घाट से बद्रीनाथ के लिए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देर किस बात की, चलते हैं, समय पर जाना है और समय पर आपको वीडियो दिखाना है। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग में और रास्ते में ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर वर्कशॉप में थोड़ी बाइक को रिपेयर किया जा रहा है। तो देखते हैं, महिपाल भाई हैं बंगाली से, वो यहाँ हमारी बाइक को देख रहे हैं यानी सही कर रहे हैं। तो चलो वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट लगता है इसमें, मतलब क्या क्या सामान लगता है बाइक पर, और बद्रीनाथ जाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। तो चलो फिर दोस्तों, अभी हम चमोली स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और यहां से आई थिंक 130 किलोमीटर के अबव हमें चलना पड़ेगा अभी। और बाइक रास्ते में थोड़ा धोखा दे रही है, बट जब से नंदप्रयाग में मैंने काम कराया अभी तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रहा ना सफ़र। बाइक कहीं रुकी नहीं है, तो चलते रहिए। रास्ते में जो भी गतिविधि और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो पूरा वीडियो में देखने को मिलेगा। लेट्स गो, यहाँ से भी निकल पड़ते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं पीपल कोटी को क्रॉस करके आगे और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये है बोर्ड। यानी यहाँ से 77 किलोमीटर बाकी रह गया है बद्रीनाथ धाम पहुँचने के लिए। यानी आई थिंक 77 किलोमीटर हम कवर करेंगे 2.5 या 3 घंटे के आसपास। अभी का समय 1 बज रहा है, आई थिंक अगर हम इसी स्पीड से चले तो 4 बजे के आसपास हम बद्रीनाथ पहुँच जाएँगे और मैं अरु को बाइक से बद्रीनाथ टिका सकता हूँ अगर बाइक बीच में धोखा ना दे तो। जिस तरीके से मतलब नंदनगर घाट से आने से नंदप्रयाग के बीच हम लगभग 3-4 बार बाइक बंद हुई क्योंकि जो पलक रहता है ना वो स्पार्क हो गया था यानी शॉर्ट हो गया था। तो जैसे ही नंदप्रयाग में पलक चेंज किया तो उसके बाद कंटिन्यू राइड चल रही है, तो चलते रहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम यहां से निकल पड़ते हैं आगे की ओर। तो चलो चल चल चलो बैठो 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 अरु बैठ, ठंडा फील होने लग गया थोड़ा थोड़ा यहाँ से क्योंकि यहाँ से ना ए भाई जैकेट जो पहन ले भाई, ठंड में बीमार हो जाएगा, फिर मामा डांटेंगे मुझे, बोलेंगे तू अपने साथ ले गया था बीमार करके ला गया। तो चलो दोस्तों, यहाँ से आगे आप सीधे मिलते हैं आपको चौसी मठ में। आई थिंक यहाँ से 30 किलोमीटर बचा हुआ है ना। तो चलो फिर, ये आप देख सकते हैं लोग कोई स्कूटी में कोई कार में यात्रा पर निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम गुफा के अंदर से जा रहे हैं बद्रीनाथ
मार्ग की ओर, और काफी हैवी ड्राइविंग चल रही है इस अंधेरे में। काफी मजा आ रहा है मेरे भाई, काफी अच्छा और सुहाना सफर। UK 011 यानी जो हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट, और आज हम ट्रेवल कर रहे हैं बद्रीनाथ को। तो यहाँ पे यात्रीगण रुक चुके हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी जो यात्रा थी ना, अभी हम हनुमान चट्टी में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हमारे भाई लोग थोड़ा यहाँ पर हनुमान भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो चलो फिर यहाँ से भी आगे निकल पड़ते हैं। तो बद्रीनाथ धाम हम कितने बजे पहुँचते हैं वो तो आपको ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए जहाँ तक हम चल सकते हैं। तो मिलते हैं बाबा वापस में मिलेंगे। नहीं, आज आप प्रसाद पाके अभी कहाँ अभी होगा, अभी हम ऊपर जाएंगे, अभी बद्रीनाथ धाम तक वापस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति, काफी पौराणिक स्मृति है ये, और यहाँ पे काफी पौराणिक मंदिर है ये। यात्रा जोर शोर पे हर कोई निकल पड़ा है, क्योंकि कल सुबह 6:30 बजे के समय में यात्रा प्रारंभ हो जाएगी बद्रीनाथ धाम की। प्रभु। सो दोस्तों, ऐसा ही अगर मुझे मौका मिलता पहले से पता रहता कि बंदरों को कुछ देना है, तो यहाँ से हम जोशीमठ में पक्का बिस्किट बास्केट कुछ खरीद के इसी तरह की, यानी बंदर जो हनुमान जी भगवान के रूप माना जाता है, उन्हें हम कुछ ना कुछ खिलाएंगे। हेलो बंदर जी, हेलो भगवान जी, देखो मौका कैसे खोल रहा है। तो चलो फिर। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ से 10 किलोमीटर पीछे पे, और यात्रा झमाझम, मतलब लोग काफ़ी सारे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियों की लाइन आपने देखी, मतलब काफ़ी सारे श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान कर चुके हैं और काफ़ी जा रहे हैं, और काफ़ी शाम तक पहुंचेंगे, काफ़ी कल तक पहुंचेंगे। तो उसके बाद तो 6 महीने चलता रहता है। तो चलिए फिर यहां से भी आगे, फ़ोन में थोड़ा चार्ज भी कम है और अभी हमने लंच भी नहीं किया है, तो जोशीमठ में रुक कर लंच किया जाएगा, तब वहां से आगे पहुंचा जाएगा। तो देखते हैं कितने बजे हम बद्रीनाथ धाम को प्रस्थान करते हैं और कितने बजे फर्स्ट झलक आपको वीडियो में देखने को मिलता है बद्रीनाथ धाम का। तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, अभी हमने सेलंग जगह पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर से मात्र 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा सफ़र चल रहा है अभी तक, तो बाइक ने नंदप्रयाग के बाद कहीं भी धोखा नहीं दिया, और लगे हम रास्ता। तो कितने बजे तक पहुँचते हैं वो तो देखते रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ठंडा ठंडा हुआ, मतलब जब हम भगवान के पास पास जैसे जैसे जा रहे हैं ना, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब ज़िंदगी बड़ा प्यारा है और स्वर्ग में हम जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है लॉन्ग ड्राइव करके भी। चलते रहिए और देखते रहिए। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम जोगी फॉल में पहुंच चुके हैं, और ये बैकग्राउंड एरिया, और यहाँ पे काफ़ी सारे यात्रियों की गाड़ियाँ रुकी हुई है और यहाँ पे लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं। तो चलो थोड़ा फ्रंट व्यू से भी यहाँ को आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का जोगी फॉल है, और यहाँ से फिर हम जोशीमठ को निकल पड़ते हैं 5 मिनट के बाद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ यात्रियों की, और ये है जोगी फॉल। फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं
जो सीमेंट के ठीक सामने पे, और ये ऊपर वाला रोड दिखाना है भाई, ये है आपका ओली वाला मार्ग, और जो ये हम जिस पर हम चल रहे हैं ये है बद्रीनाथ धाम वाला मार्ग, और यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका जोशीमठ बसा हुआ है, और जोशीमठ में काफ़ी चीज़ें फेमस है, जैसे कि हाथी पहाड़ और स्लीपिंग ब्यूटी, ऐसा कुछ क्वीन, स्लीपिंग क्वीन ऐसा कुछ नाम है दूसरे पहाड़ का, तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा, मुझे थोड़ा थोड़ा पहले याद था, अब मैं भूल चुका हूँ। तो चले फिर अरु भाई यहाँ से आगे, तो फिर 3 के आसपास टाइम हो चुका है समथिंग, तो चलते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर करें, हम इतनी मेहनत से और इतने दूर आप सभी के लिए आपके प्यार प्रेम और जो आप सपोर्ट देते हैं उस प्रकार से यहाँ पहुँचे हुए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दिखाएं और नए नए एरिया का भ्रमण कराएं। तो देखते रहिए अंत तक और छोटा मोटा शेयर तो मार दीजिए और कमेंट तो ठीक दीजिए, आपके कमेंट और लाइक से काफ़ी सपोर्ट मिलता है हमें और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। तो गिव एंड सपोर्ट, तो लेट्स गो। रहा टैक्सी स्टेशन जोशीमठ का, यहीं से ये मार्ग है जो बद्रीनाथ को आपको ले जाएगा, और ये आप देख सकते हैं लोग, यानी यात्री लोग काफ़ी सारे जा रहे हैं, और जो दोस्त लोग हैं ना वो आगे कहाँ गए, किस मंदिर में, नरसिंह मंदिर में, चलो नरसिंह मंदिर में चलते हैं आप यहाँ से आगे। तो चलो फिर भाई, ये रहा बद्रीनाथ जाने का रास्ता, NH 58 उत्तराखंड का सबसे लंबा हाईवे है ये। तो गाइस इस ब्रिज को क्रॉस करके हमें राइट लेना पड़ेगा शायद, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो यहाँ से हम बद्रीनाथ को निकल जाएंगे ऑलमोस्ट। ऊपर का हाथी पहाड़ और इसके बगल पर स्लीपिंग क्वीन, ऐसा कुछ स्लीपिंग ब्यूटी। तो हमें 2 घंटा अप्रॉक्सीमेट लगेगा कम से कम, क्योंकि आगे रोड ख़राब है बताया जा रहा है। तो गाइज मिलते हैं सीधे बद्रीनाथ में। सो फ्रेंड्स, अभी भी हम काफ़ी दूर हैं बद्रीनाथ से, और यहाँ पर ना थोड़ा रोड की कंडीशन कुछ ख़राब सी है, तो देखते हैं कितना वक्त लगता है हमारा बद्रीनाथ जाने तक का, या रात को पहुंचते या इवनिंग टाइम तक ही पहुंच जाते। इवनिंग तो वैसे हो चुका है, बट 5-6-7 बजे कितने बजे तक पहुंचते हैं वो तो आप लोग अंत में ही देख पाओगे और देखेंगे। तो चलो फिर, धूप लगी हुई है, वैसे धूप छाई हुई है बट अब ठंड फील होने लग गया है, तो चलो लेट्स। सो फ्रेंड्स, अभी का समय 4:30 बज चुका है और हम पहुँच चुके हैं गोविंद घाट में, और यहाँ से ना 2 मार्ग डिवाइडेड है, एक नीचे को जा रहा है इधर पता नहीं कहाँ, और जो लोग हेमकुंड साहिब को जाते हैं ना वो लोग यहाँ पर उतर जाते हैं, उनका मतलब गाड़ी का स्टेशन यहीं तक, यहाँ से पैदल मार्ग है वो आप देख सकते हैं, ये ऊपर पैदल मार्ग हेमकुंड साहिब जाने का मार्ग है, और जिसे यहाँ से आगे निकलना है यानी बद्रीनाथ माणा साइड, वो सीधे कंटिन्यू रास्ता लगता है और आगे चलता है। तो 4:30 का समय हो चुका है, गोविंद घाट पहुँच चुके हैं, तो बद्रीनाथ कितने बजे पहुँचते हैं वो तो अभी क्या बताएं, कितना रोड की थोड़ी हालत भी ख़राब है, यहाँ से मतलब पूरा चल रहा है ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा बाइक कम भगा पा रहे हैं, और बाइक में थोड़ा आपको पता ही है सिचुएशन कैसी है, तो चलते रहिए।
फ्रेंड्स, बद्रीनाथ हाईवे पे आप ग्लेशियर देखना शुरू हो चुका है, तो वो रहा ग्लेशियर। तो चलो ग्लेशियर के पास जाते हैं कि कितना कठोर या कोमल बना रहता है ये ग्लेशियर। यहाँ पर यात्री लोग भी हैं। ये देख सकते हैं ग्लेशियर काफी कठोर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बद्रीनाथ से काफी पास, यानी आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर का डिस्टेंस मात्र बचा होगा और समय 5:30 हो चुका है। तो उत्तराखंड की सुंदरता और व्यूज के बारे में तो क्या कुछ कहना। और आज तो हम वैसे भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए हैं, तो ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन कलाकारों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो बड़ा मज़ा और अच्छा दृश्य। तो देखते रहिए अंत तक। और आज हम डिस्कवर में ट्रैवलिंग कर रहे हैं क्योंकि अपाची जो बाइक थी मेरे पास वो कहीं जा रखी है, तो इस वजह से जो बाइक मिला उसी से काम चला के मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। तो फर्स्ट व्यू शायद यहीं से दिखता है। आई थिंक मैं आज से 2016 और 2011 में आया था और यहाँ से हो सकता है फर्स्ट झलक बद्रीनाथ धाम की दिख जाए, या यहाँ से आगे दिखता हो वो तो यहीं जाके पता चलेगा। तो यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम का दर्शन हम कर चुके हैं, तो ये है व्यूज। तो यहाँ पर शायद आधार कार्ड चेक हो रहा होगा। चलते रहिए। हाँ, फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके बद्रीनाथ धाम में और यहाँ पर ये प्रारंभिक द्वार पहुंच चुका है। यहाँ पर पुलिस वाले थोड़ा चेकिंग कर रहे थे कि गाड़ी कहाँ की है। तो फाइनली इन बद्रीनाथ हम पहुंच चुके हैं, तो बड़ा मजा आ गया। फाइनली फ्रेंड्स, अभी का समय 5:30 बज चुका है और हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में। और ये बद्रीनाथ धाम के स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलिए, यहीं से लॉज और होटल टाइप के शुरू हो जाते हैं। यहां से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में मंदिर बसा हुआ है, यानी मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। और हमारे गाँव के काफ़ी लोग भी यहाँ आए हुए हैं, कोई जॉब करता है, कोई घूमने। तो चलो फिर किन किन से हम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम में और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं कल के लिए। और यहाँ पर दुकानें भी फुल, बिट्टू सिंह कहाँ होंगे, तो हमारे दोस्त लोग यहाँ हैं तो इसीलिए हम उन्हें खोज रहे हैं। तो चलते रहिए और घूमते रहिए आप भी हमारे साथ बद्रीनाथ धाम में। और ये पूरा आप देख सकते हैं जो ऑल वेदर रोड बन रहा है ना, यहाँ शायद यहाँ से नहीं जाने दे रहे क्या, तो यहाँ पे से नहीं जाने दे रहे क्योंकि वहाँ रोड कटिंग चल रही है, तो जाएं कहाँ समझ नहीं आ रहा। भाई कहाँ लगाए जाएगी, न्यूज़ चैनल वाले भी आए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके बद्रीनाथ में और ये हमारे गांव का हरी भाई यहाँ मिल चुका है। तो हरी भाई, कितना ठंडा फील हो रहा है तुम्हें यहाँ? तो ये यहाँ पर रेस्टोरेंट खोल दिया है इन्होंने, साउथ इंडियन। और ये जितेंद्र सिंह बिष्ट जी का यहाँ पर मोमो मोमो और ये मैगी मोगी
तो अभी डेकोरेशन नहीं हुआ है भाई, कल से होगा, क्योंकि कल सुबह यात्रा प्रारंभ होगी तो उसी के बाद तो तुम्हारा डेकोरेशन होगा। तो हरेंद्र यहाँ अच्छे बावर्ची बनेंगे और जितेंद्र अच्छे क्या बनेंगे, मिस्त्री, ओ सॉरी मिस्त्री सेफ, अच्छे सेफ हरेंद्र भाई। सो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके बद्रीनाथ धाम में, और ये रहा बद्रीनाथ धाम की पहली झलक। थोड़ा हट जाना भाई जी। सो फ्रेंड्स भीड़ आप देख सकते हैं, यानी श्रद्धालुओं की संख्या भारी मात्रा में उपलब्ध, और फर्स्ट व्यू दिखाते हैं आपको काफी पास से। फाइनली फ्रेंड्स अभी का समय 6 बज चुका है, और जिस यात्रा के लिए हम निकल पड़े थे वहाँ हम पहुँच चुके हैं, यानी बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं, और आपको पूरा धाम यानी जो मंदिर है ना वहाँ के दर्शन करवा दिए हैं। तो कपाट तो कल ही खुलेगा, आज ओनली बाहर से दिख रहा है। तो यहाँ से नीचे तप्त कुंड भी है, और यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ हो चुकी है। कल सुबह तो इसके दुगुने तिगुने, अभी क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो अपने अरेंजमेंट में जुड़ चुके होंगे कि रात्रि विश्राम उन्हें कहाँ करना है, कहाँ वो रात को रहेंगे। अभी हम ही लोग हैं जिनके मतलब कि थोड़ा बहुत दोस्त लोग हैं, तो इस वजह से हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें रात को जाना कहाँ है। और जो बाहर से श्रद्धालु लोग हैं वो अपनी अरेंजमेंट में जुड़ चुके होंगे कि कहाँ उन्हें रहना है, कहाँ उनका रात का बसेरा होगा, कहाँ उन्हें भोजन करना होगा। तो फिर देखते रहिए आज का किस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिला बद्रीनाथ धाम से। तो चलो फिर लेट्स वॉच जो कुछ यहाँ देखने को मिलता है, देखते रहिए। सो फ्रेंड्स मंदिर के दर्शन आपको करवा दिए हैं, अब गर्म कुंड यानी तप्त कुंड की ओर अग्रसर करते हुए, यानी अब आपको तप्त कुंड के दर्शन करवाते हैं जहाँ पर कि गर्म पानी रहता है, और गर्म पानी से स्नान करके ही मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो गर्म कुंड है ना, दो गर्म कुंड है, एक महिलाओं के लिए अलग है, एक पुरुष के लिए अलग है। तो चलो हम सीधे पुरुष स्नान यानी तप्त कुंड में जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ना जो भीड़ की मात्रा है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर उधर व्यस्त हैं अभी। तो कल सुबह का जो दृश्य रहेगा ना काफ़ी भीड़ भड़क का। तो फ्रेंड्स ये रहा तप्त कुंड, यहाँ पर मतलब 12 महीने गर्म पानी का स्रोत बना हुआ है। तो श्रद्धालु जो भी है ना पहले यहाँ स्नान करेंगे, उसके बाद मंदिर दर्शन होता है। और यहाँ पर भी दो स्नान, और ये जो महिला कुंड है ये यहाँ से अंदर हम वहाँ क्यों जाएँ, हम तो इधर ही घूमते रहेंगे। तो चलो फिर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुंड को यानी तप्त कुंड, काफ़ी गर्म पानी यहाँ पर। तो ये श्रद्धालु लोग नहा धो के मंदिर दर्शन, आज मंदिर के अंदर का दर्शन तो नहीं होगा, ओनली बाहर का करेंगे। और ये बद्रीनाथ के चारों ओर का व्यू काफ़ी सुंदर, काफ़ी प्यारा। और ये हमारे भाई बंद लोग हाथ धोते हुए, जो बाइक से धूल मिट्टी लगी हुई है ना उसे साफ करते हुए। तो अरु के सर में तो काफ़ी मिट्टी भी लगी हुई है, क्योंकि ये मेरे पीछे से बाइक में बैठे हुए थे, और इसके मुँह में भी, और ये योगेंद्र इसके मुँह में भी, सब सफाई करते हुए। तो देखते रहिए। तो दोस्तों ये रहा तप्त कुंड, और ये रहा मेन पुल जहाँ से कि बद्रीनाथ और मार्केट को, यानी सॉरी बद्रीनाथ मंदिर और मार्केट को ज्वाइन करता है ये पुल।
सो फाइनली फ्रेंड्स आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन करवाए और यहाँ पर श्रद्धालु लोग प्रदीप भाई भी पहुंचे हुए हैं। तो बैकग्राउंड देख सकते हैं क्या मस्त तैयार किया गया कल के मॉर्निंग यानी बद्रीनाथ धाम के उद्घाटन के लिए, काफी चकाचक बनाए बनावट। तो चलो फिर अब चलते हैं थोड़ा मार्केट की ओर, तो देखते हैं क्या कुछ बद्रीनाथ धाम में देखने को मिलता है। चले जाएगी, चल आ जा। सो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं मालाओं यानी फोटो माला की दुकान यहाँ पे काफी मात्रा में। चले